भिखारी भी भिखारी ना ईरखा करता, व्यापारी क्यों नहीं करेगा। वह जिहड़ा शेख रवाब मुसलमान सी उहने ईरखा की, मन चाहिया वे सरदारां दा कारोबार फेल करां, किवें कीता जावे। उन्हें कहा जादू टूना कराने, कई बंदियां दा विश्वास है। उन्हें बगदाद तो एक बंदा मंगाया, काले इलम दा माहर मौलवी, उन्हें कहा तैनू इन्ने दिनार दवांगा, आ फलानी ट्रांसपोर्ट है, आ बंदे आ, आ फोटो आ, इन्हों का कम बिगाड़ दे। वह कहना जी तीन दिन का कम है, तिना दिनों में इदा की काली मसाणी छड़ांगा, बंदे कारोबार छड़ के भज जाए। कहना फिर छड़ दे। उन्हें तीन दिन होटल में रह के जो मंत्र करना कुरना किया, तीजे दिन शाम को कहना फिर सद के रवाब को कहना छड़ता। कल पुछो हूँ सरदारों का की हाल है, ट्राले पलट जाएंगे, घर में कपड़े अग लग जाएगी, आ कुछ हो जाएगा, बड़ा कुछ गया। अगले दिन फिर रवाब गया बहाने नाल सरदारां दी ट्रांसपोर्ट दफ्तर जाके बुला के, कहना सत श्री अकाल भाई जान, कहना सत श्री अकाल, आ जाओ जी, आओ बैठो। बैठे गल्लां कीतियां, होर सब कहना ठीक है, कारोबार सिख कहना चढ़दी कला, कहना परिवार बच्चे, कहना जी सब चढ़दी कला, कहना किथे किथे कारोबार, कहना 20 ट्राले फलानी कंपनी नाल, 36 ट्राले 25 फलानी कंपनी नाल, तां सब चढ़दी कला। गुस्से च वापस आ गया, कहिंदा इन्हां दा तां बिगड़िया नहीं कुछ, आके मौलवी नूं कहिंदा उन्हां दा नहीं कुछ बिगड़िया। वह कहना जी फिर एक मंत्र मेरे को काली समाणी है, जे मैं वह छड़ती बंदे भी मर सकते। वह कहना मार दे मैनू की, मैं तो पैसे देने थे। उन्हें वह भी मंत्र छड़ता। अगले दिन सद के कहना जी हुण पता करो, रवाब फिर आ गया घूमदिया, आके फिर दफ्तर च बह के होर भाई जान इतों लंघ रहा, मैं क्या भरा नूं मिल चलीए, होर सुनाओ कारोबार, कहना चढ़दी कला, परिवार, कहना सब चढ़दी कला। तां अजे रवाब मन च सोचदा इन्हां दा कुछ नहीं बिगड़िया। इन्ने नूं एक नौजवान दफ्तर विच आया सरदार, उन्हें सरदार जी नूं हथ जोड़ के फतेह बुलाई, एक डब्बा ते कागजां दा लिफाफा टेबल ते रखिया। सरदार जी ने और रजिस्ट्री दा लिफाफा चुकया, चुक के उन्हूं रजिस्ट्री दे लिफाफे नूं खोलिया, विचों पेपर कढे, चार पांच इंग्लिश ते उर्दू दे पेपर उन्हें पढ़े, ते पढ़ के उन्हें ड्रॉ विच रख लए। फिर सरदार जी ने वह डब्बा खोलिया, मठियाई का बर्फी का डब्बा मोहरे करके रवाब नूं कहना भाई जान मूँह मिठा करो। कहना ये कहदा, वह कहना जी चार ट्राले नवे बुक कराए सी, ते इंश्योरेंस पेपर ते उहदे लोन वाले पेपर आ गए ने, कल नूं नवे लैके आ रहे चार ट्राले, उहदे बर्फी कित्थों लंघे, उह तां सड़ बल गया। कहना ये किवें हो गया, मैं कारोबार उजाड़ना चाहुंदा, ये चार ट्राले नवे होर पा रहे ने, बर्फी तां लै लई, मसां खा के फिर सीधा ही होटल च गया। जाके मौलवी नूं कहना पैसे इधर कढ, वह कहना क्यों, कहिंदा उन्हां दा नहीं कुछ बिगड़िया, सरदारां ने तां चार ट्राले नवे होर पा रहे ने। मौलवी कहिंदा हो नहीं सकदा, मेरी भी जिंदगी का तजर्बा है, मेरे भी मंत्रां ते मैनू भरोसा है, यह हो नहीं सकता। उन्हें कहा होया, मौलवी ने कहा मैनू मिलाओ। मौलवी आप आया जी फिर सरदारां दी ट्रांसपोर्ट, जदों दफ्तर लंघन लगा, रवाब ते लंघिया, मौलवी पैर रखन लगा, उन्हूं इन्ना झटका लगा जिवें करंट लगा होवे, पिछे चेहरा पीला हो गया, हथ कंबन लग पे। सरदार जी उठ के बाहर आए, रौला सुन के वेख्या की गल भाई जान, उन्हें कहा मौलवी साहब नूं कुछ हो गया। सरदार जी ने कहा लंघ आओ, मौलवी ने हथ जोड़ के कहा जी मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं आ नापाक इरादा आदमी, इत्थे किसे पाक इलम दा पैर है, मैं इस पाक इलम नूं टप के अंदर नहीं आ सकता। सरदार जी तुसीं केड़े इलम दा जाप करदे हो, तुहाडे कोल केड़ा मंत्र है, कोई पाक इलम है जिहड़ा इत्थों नापाक इरादा बंदे नूं अंदर नहीं आण दे सकदा। तब फिर वह सरदार जी ने जदों इन्नी गल सुनी तो मुस्कुरा के कहा मौलवी साहब इत्थे पाक इलम दा पहरा तुसी सच कहिंदे हो, असी रोज मंत्र पढ़ी दे, साडे निक्के निक्के बच्चे मंत्र पढ़ते ने, साडा हर ड्राइवर ट्राला स्टार्ट करन लग्या मंत्र पढ़ते, दफ्तर की कुर्सी ते बहन लग्या असी पढ़ी दे, साडा 1.5 साल का बच्चा जिदन बोलना सिखदा है उदन पहला उही उह मंत्र सिखाई दे, उह मंत्र साडे कोल है। मौलवी ने कहा केड़ा, फिर सरदार जी बोले एक ओंकार सतनाम, आखो एक ओंकार सत करता पुरख निरभउ निर्भउ।
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जदों मूल मंत्र पढ़े ना सरदार जी ने प्यार विच आ के कहा जपाद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। मौलवी का चेहरा पीला फिर गया, उन्हें कहा सरदार जी ये मंत्र का नाम की है? सरदार जी ने कहा इनू असी मूल मंत्र कहने, इनू मूल मंत्र कहने। ते मौलवी बोलिया सरदार जी ये दुनिया का सब तो ताकतवर मंत्र है, जेड़ा इस मंत्र का जाप करदे उहदे उत्ते दुनिया का कोई मंत्र कदे कम नहीं कर सकता। एडा वड्डा मंत्र गुरु नानक साहब दे गए। ताइयों जदों महाराज ने मूल मंत्र लिखिया गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च कोई सरलेख नहीं लिखिया बाणियां दा, वे राग महला पहला ना, सिद्धा ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रमता होई एक ओंकार सत, क्योंकि मूल मंत्र है। जेड़ा मूल नालों टुट गया मैनू माफ करियो, दे पल्ले नहीं कुछ भी रहने। मूल नालों ना टुट्यो, घर विच अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, मूल मंत्र पढ़ो, फिर तुहाडे घर विच गुरु की बख्शिश कृपा वरतेगी। मूल नालों टुट के पल्ले नहीं कुछ भी रहना।